मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर है, और ये मैंने छोला मसाला डाली हूँ, देखते कैसे टेस्ट आता है। और ये एक टमाटर चॉप करके, कलेजी में मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, इसको ढक के भी नहीं पकाना है और इसमें पानी भी नहीं डालना है। कसूरी मेथी, हरी मिर्च, गरम मसाला और चाट मसाला। Assalamualaikum, this is Mehnaz and welcome to my channel. कैसे आप सब? I hope सब खैर से होंगे, मज़े में होंगे। तो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि हमने डीमार से कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग किया, और वो जो शॉपिंग किया वो मैं घर पे आके सिर्फ बैग में ऐसे ही रख दिया था, सिर्फ जो डेयरी का जो आइटम था वही मैंने फ्रिज में रख दिया था, और वैसे ही हम लोग निकल गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे, आपने तो देखा ही होगा। तो अभी नेक्स्ट डे मैं खाना बना रही हूँ, खाने में मैं कलेजी मसाला बना रही हूँ और रोटी पकानी बाकी है, तो वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाते जाऊँगी कि क्या क्या मैंने बनाया है। और ग्रॉसरी शॉपिंग जो किया है वो मैं उसके डब्बे में या बॉटल में रख दूँगी, जो ख़त्म हो गया है उसको भर के रख दूँगी, और जो नहीं ख़त्म हुए वो पैकेट में वैसे ही रख दूँगी, ताकि जब वो बाकी का जो बचा हुआ है जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में वो नए पैकेट खोलूंगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहें, एंजॉय करें मेरे व्लॉग को। माशाल्लाह मस्त तरी, बता देती हूँ कि मैंने डीमार्ट से क्या क्या लाई हूँ। तो इसमें है चावल और शक्कर है, जो कि अभी खाली थोड़े से डब्बे हो नहीं खाली डब्बे हो गए हैं, उसमें मैं डाल दूँगी, तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं कि चावल कैसे होते हैं और शक्कर कैसे होती है, तो उसको मैं साइड पे रख देती हूँ। इसमें है सफ़ेद वटाना, सफ़ेद वटाना मैंने 500-500 ग्राम के दो पैकेट लिए हूँ, और अभी बारिश का मौसम भी आएगा तो पानी पूरी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, तो उसके लिए सफ़ेद वटाना, और बारिश के मौसम में हम भजी भी ज़्यादा बनाते हैं शाम के वक्त। और ये है मसूर दाल, ये है मूंग दाल, तूर दाल, नमक, मूंग दाल येलो कलर की, और तूर दाल के दो पैकेट आ गए हैं तो कोई बात नहीं है। और ये है चना दाल, चाय जो बहुत ही जरूरी होती है, बिस्किट, और ये है जीरा पाउडर। एक्चुअली कभी कभी मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर घर में बनाने के लिए सुस्ती करती हूँ, तो मैं ऐसे ही कभी कभी ले आ जाती हूँ। रवा, और ये है मैदा, मैदा ये मैंने हाफ केजी का लिया है, फ्रेश है, क्योंकि मुझे केक की रेसिपीज भी बनानी है तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसके लिए मैंने मैदा खास लेकर आई हूँ, हालांकि मेरे पास और मैदा है भी, तो
केक के लिए फ्रेश मैदा की ज़रूरत होती है, फ्रेश मैदा, फ्रेश अंडे ऐसे। तो ये है मैदा और शैम्पू, बर्तन धोने के लिए ज़रूरी, सबसे ज़रूरी। और ये है क्या, किसने डाल दिया, भूल से तो नहीं आ गया, हाँ किसने डाला, मैंने तो नहीं डाला। बेसन, मैगी, कितने पैकेट लिए मैगी के, छः, एक दो तीन चार पाँच ही है ना, हाँ छः। और ये है पोहा, कांदा पोहा और ऐसे भी दूध में डाल के। और ये है तेल, तो तेल के भी मैं पाउचेस ही लेती हूँ, संग्रिश लिया है इस बार और पाउच ही लिया है ताकि मेरे इसमें मेरे कैन में डालने के लिए इजी हो जाए। मखना, इंडिया गेट बासमती राइस किया है सुपर फ्रेश, क्रीम, मिल्कमेड जूस, फ्रेश क्रीम के दो थे ना, हाँ ये एक है, फ्रेश क्रीम आ गया, मिक्स अचार, सबको पसंद है। और ये है ये क्या बोलते इसे, लेमोनिस, तो ये मैं रखती हूँ घर में। नींबू का रस है इसमें, कभी कभी अगर नींबू नहीं होते हैं तो इसमें से मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये भी बच्चों का ही खाना है, ये हो गया। और अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है और बहुत बहुत दिनों से मैं देख रही थी मार्केट में, भी मैं सर्च कर रही थी, मुझे स्टील का कुकर चाहिए था। मेरे पास है 3 लीटर तो कुकर, लेकिन वो एल्यूमिनियम का है और मुझे स्टील का चाहिए था, तो ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लगा तो मैंने ले लिया। गोल्ड का कुकर है ये, क्या है उसका, अच्छा ये हैंडल है एक्स्ट्रा और ये उसकी सीटी है। ढक्कन और इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और ये उसका यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ, तो वो बाद में हम फिक्स करेंगे। तो ये कुकर की हांडी देखो कितनी अच्छी है, और उस पर ये इस तरह से है ना, अच्छा है ना। और ये स्टील का है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये सैंडविच बॉटम है इसका, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सिर्फ मुझे 999 में मिला, यानी 1000 में सिर्फ 1 रुपया कम, अच्छा है ना। ये करके हम लगाएंगे तो सारे मैगी के पैकेट्स इसमें 5 ही आ जाते हैं हाथ में, छटक किधर चला जाता है, हाँ रवि साहब हमेशा छटा गायब हो जाता है। ये बच्चों के खाने की चीज़, और इसमें हमने हम गैस को, तो इसको भी thank you.
फ्राइडे को करेंगे, ठीक है? नालगोस बनाएंगे इसमें, साइड में करके रख दो। और ये मैंने लिया था फिनिक्स से, जो मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला और बहुत यूज़फुल है। एक्चुअली मेरे पास मेजरिंग कप है, लेकिन उसके जो ये जो मार्क होते हैं ना मेजरिंग, वो भी चले गए हैं। यानी बहुत टाइम से है मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो धो के वो लाइट हो गए, चले गए, कुछ दिखते नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लेने का था, लेकिन सही वाला मिल नहीं रहा था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया डाइसो से फिनिक्स में। तो इसके अलावा मैंने कुछ मैक से बच्चों के लिए लिया है, अरमान के लिए एक शर्ट लिया है, लवेज और महक के लिए एक एक कुछ टॉप है, और मेरा एक स्कर्ट है जो कि बच्चों ने मुझे अभी दिखाने के लिए मना किया है, पता नहीं क्यों, तो वो मैं नहीं दिखा सकती, तो इसे मैं बाजू में ही रख देती हूँ, है ना? तो ये था मेरा ग्रोसरी, और मैंने जो लाई हूँ तो मैंने ये सोच के लाई हूँ कि अभी बारिश भी नज़दीक आ रही है, तो बारिश में यू नो शुरुआत की बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब सामान लेना लाना घर में, तो उससे अच्छा कि अभी बारिश नहीं है तो अभी स्टोर करके रख दो। तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ें ली हूँ, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा ये व्लॉग देख के, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़